श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के 148वें संस्करण के संगीत प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सीनियर वर्ग की स्वर वाद्य स्पर्धा में एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्रतियोगी विजेता घोषित किए गए। खास बात यह है कि तीनों का स्वर वाद्य अलग अलग रहा। संगीत प्रतियोगिता के तीसरे दिन हुगली के आयुष लाला ने संतूर पर राज चारुकेशी, अमृतसर के गुरु अमृत सिंह ने तार शहनाई पर राग बिहाग और जालंधर के चैतन्य शर्मा ने वायलन पर राग चारुकेशी में प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल के विद्वान सदस्यों डॉक्टर सरिता पाठक, उस्ताद दानिश असलम और पंडित डॉक्टर राज खुशीराम को विवश कर दिया कि तीनों को विजेता घोषित किया जाए। तो वही जूनियर कैटेगरी की तालवाद्य स्पर्धा में लखनऊ के सोहम मिश्रा और पटियाला के युवराज दोनों प्रथम रहे, जबकि पुणे के कृष्णा रविंद्र बोएटे तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत करने के दौरान निर्णायक मंडल में शामिल पंडित रतन मिश्रा, प्रोफेसर अनु मल्होत्रा और इंद्रजीत सिंह बिंदु ने विजेताओं को मुबारक देने के साथ साथ बाकी प्रतियोगियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि निर्णायक मंडल की नजरों में सभी बच्चे विजेता हैं और अगली प्रतियोगिता के लिए और ज्यादा रियाज करें और पेशेवर कलाकार बने। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। बताया बहुत अच्छा, हमें जानकारी भी और इतना अच्छा कि मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से।
आप सभी लोगों से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया इस पवित्र भूमि पे आने का। आपका बहुत बहुत हुगली धन्यवाद। से आया ये बच्चा हुगली से आया और इस संतूर के कुछ तारे बेसुरी थी तो मैंने कहा जब तक सुर कर रहा है तो मैंने हुगली से ही शुरू कर दिया तो माफी चाहेंगे। मैं मेरी इतनी तारीफ कर रही है मैं तो पीछे काबिल बयान भी नहीं हूँ। सही बता रहा हूँ आप मेरा यकीन करें। हाँ इतना ज़रूर है कि आपको मैं एक ही आप छोटे मिले मैं एक बात आपसे कहता हूँ एक तो रियाज कभी मत छोड़ना है। रियाज ही सब कुछ है। अब ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं मिला जब भी मिल जाएगा तुम्हें एकदम मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम रोज याद कर रियाज कर रहे हो तो रोजाना तुम्हें मिलता है लेकिन जब भी उस रब को तुम उनकी समझ में आगे ना रब की एकदम दे देगा तुम्हें। सही बता रहा हूँ आप रियाज मत छोड़ना कभी। और ये आपको सबको मुझसे वादा करना पड़ेगा वायदा कि आप रियाज नहीं छोड़ेंगे। और देखिए ये तो कंपटीशन है और यहाँ आने को आप ये ना समझे कि हम कहीं नहीं गए आप बाबा साहब के शरण में आए। ये मंच जो है ना बहुत बड़ा है ये 148 ईयर्स हो गए यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग गाए बजाए आमिर खान साहब और सलामत अली खान साहब जब 10 साल के थे तब गाए गए यहाँ तो उनको 5 रुपए दिए थे। हाँ बिल्कुल। और उस जमाने में ये सन 40 की बात बता रहा हूँ मैं नहीं पैदा हुआ तो मुझे बताया बुजुर्गों ने कि आमिर खान साहब जब गए तो उनको 10 रुपए दिए थे और जब सलामत अली खान साहब गए तो उनको 5 रुपए मिले।